हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं उत्तम स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल यूटेक पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि अपने फ़ोटो का एक एल्बम सॉन्ग बनाना चाहते हैं दोस्तों, वो भी बहुत अच्छे प्रोफेशनली तरीके से। दोस्तों बहुत से लोगों से बनाना नहीं आता और बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं दोस्तों, जिसमें से सही रूप से समझ में नहीं आता और वीडियो का इफेक्ट उतना नहीं दे पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्या करेंगे, आप सिंपली काइन मास्टर ओपन कर लेंगे जो कि मेरे मोबाइल में दोस्तों, आप इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद क्या करना है दोस्तों, हमको कोई भी साइज़ ले लेनी है दोस्तों, जो साइज़ भी हमको चाहिए। दोस्तों मैं 16.9 का ले रहा हूँ। इसमें से दोस्तों हमको क्या करना है, मीडिया पे क्लिक कर देना है। दोस्तों सिंपली मैं जिन लोगों से नहीं आता दोस्तों, काइन मास्टर जीरो है चलाने में दोस्तों, मैं उनको सिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, हमको पहले से ये बनाना चाहिए दोस्तों, पर उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं हमको नहीं पता था कि ये वाली हमको भी वीडियो बनानी पड़ेगी। दोस्तों इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम जैसे मीडिया पे क्लिक करेंगे, हमारे पास बहुत सारे फ़ोटो आ जाएंगे दोस्तों, जैसे कि वो ये फ़ोटो मैंने चूज़ कर लिया, और मीडिया पे जाके आप फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जितनी भी आपको फ़ोटो चाहिए, 2-4 फ़ोटो आप ले लीजिए, 10 फ़ोटो, जितना आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से आप कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली मैं जैसे कि 2-4 वीडियो ले रहा फ़ोटो ले रहा हूँ दोस्तों, आपको बताने के लिए। सिंपली मैं 2-3 फ़ोटो ले लिया हूँ दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारी फ़ोटो दिख रही है दोस्तों। जो हमारी फ़ोटो पूरी साइज़ में नहीं है दोस्तों, तो उसमें हमको क्लिक कर देना है और डायरेक्ट यहाँ पे हमको क्रॉप का चिन्ह मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे जा करके हमको इक्वल पे बराबर पे चिन्ह कर देना है, क्लिक कर देना है, और इसको हमको जूम कर देना है दो उंगली की सहायता से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुछ ऐसा है, इसके बाद इसकी जो भी हमारी ये भी है, तो इसमें दोस्तों मैं इसको भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी जो साइज़ है इसके हिसाब से ऊपर बड़ा मैं कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से हम फ़ोटो अपनी बना सकते हैं, साइज़ में सही साइज़ में हम रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमको करना क्या है, ये तो फुल साइज़ में है ऑलरेडी दोस्तों, हमको इफ़ेक्ट देना है दोस्तों। जैसे इफ़ेक्ट में देना है दोस्तों, तो जो हमारे दोनों पिक्चर के बीच में जो दोस्तों लाइनिंग है, जहाँ पे आप एरो देख रहे हैं, यहाँ पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमको यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट मिल जाएंगे, जिसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं अभी एक यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से हमारी जो फ़ोटो है तो कटेगी। इसको आप टाइमिंग यहाँ से बढ़ा देंगे दोस्तों, तो उसके हिसाब से जितने देर में चाहेंगे उतने हिसाब से जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको क्या करना है, अगले वाले में भी कर लेना है, अलग इफ़ेक्ट दे देना है। अगर आपको अच्छा लगता है एक ही इफ़ेक्ट, तो आप एक ही कर देते हैं दोस्तों, मैं दूसरा दे दे रहा हूँ। जैसा कि देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, टाइमिंग अपने हिसाब से दे दीजिएगा, तभी ये सब पॉसिबल है। नहीं, टाइमिंग नहीं देंगे तो जल्दी जल्दी में सब निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरह से है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, अपना एक फ़ोटो का स्टेटस बना सकते हैं, एल्बम सॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आइडियो पे क्लिक करेंगे। आइडियो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यही करेंगे जो कि आप सॉन्ग डाउनलोड करके रखे हो या यूज़ करना चाहते हो कि हम इस सॉन्ग पे अपना एल्बम बनाएं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं फोल्डर पे जा रहा हूँ दोस्तों, फोल्डर में जाके हम डाउनलोड जो किया हूँ दोस्तों, मैं उसी को मैं सॉन्ग सेलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों हमको क्या करना है, म्यूज़िक पे जाके कि दोस्तों हमें फोल्डर पे जाना है, फोल्डर आप जहाँ रखे हैं दोस्तों वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको ले रहा हूँ। इसके बाद आप क्या करना है, प्लस आइकन पे क्लिक कर देना है। प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारी जो म्यूज़िक है तो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर म्यूज़िक आपको बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है तो दोस्तों यहाँ पे जाके आप नीचे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली मैं 100 ही रख दे रहा हूँ तो अच्छा है। और यहाँ से आप जैसे बजाएँगे दोस्तों, ऐसा सॉन्ग बजने लगेगा। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, अगर वीडियो को सेव करना है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे मिला है दोस्तों, जहाँ पे आपको एरो का निशान रहा है, यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आप एक्सपोर्ट कर लेंगे दोस्तों, 720 पावर में जितने में आपको चाहिए तो उतने में आप कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए दोस्तों एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे और एक्सपोर्टर अपना चालू हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि मेरा एक्सपोर्ट हो गया है, अभी एक्सपोर्ट करके मैं गैलरी में दिखाता हूँ दोस्तों कि हमारा ये वीडियो कहाँ पर सेव हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो गैलरी में और वहाँ से मैं दिखा देता हूँ कि हमारा जो वीडियो है तो कहाँ पे सेव हुआ है।
दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ ही रही हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं काइन मास्टर से बहुत अच्छे से ट्यूटोरियल चलाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, इसमें से हमारी वीडियो दोस्तों यहाँ पे आ गई है वीडियो वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। जैसे हमें यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग दिख रही है दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।